मुझे समाचार चैनलों से पता चला हमारे अखाड़ा परिषद के परम पूज्य महाराज जी का देहावसान हो गया, वह रमलीन हो गए हैं। सुनकर के हृदय अत्यंत व्यथित हुआ। मैं मध्य प्रदेश अमरकंटक में था, वहाँ से चल के आया हूँ और ये अचानक ऐसी दुर्घटना हुई। पूज्य महाराज श्री हमारे संत जगत के सूर्य थे और संत जगत के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। ये क्षति संत जगत के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए अपूर्णीय क्षति है और इसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये जो दुर्घटना हुई है इसके लिए भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें। संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है क्या, किस तरीके से मांग करते हैं? संदिग्ध परिस्थितियों में जो महाराज जी का पार्थिव शरीर मिला है इसकी खोजबीन तो पुलिस करेगी। अब हम लोग, मैं तो बाहर था, बाहर से आया हूँ, मुझे जानकारी भी नहीं है। बिल्कुल, ये जो दुर्घटना हुई है इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए और जो दोषी हों वो निश्चित रूप से पुलिस की पकड़ में होनी चाहिए। आत्मबल के मामले में महाराज जी आपके नज़दीक रहे होंगे, कितना उनका आत्मबल था, किस तरीके, क्या इस तरह का कदम कभी ऐसा लगा तो उठा सकते? महाराज श्री का जो आत्मबल था वो इतने बोल्ड थे कि हम लोग ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये उन्होंने आत्महत्या की है। ये जो जैसा बता रहे हैं कि वो शव लटका हुआ मिला, फांसी लगी उन्होंने लगा ली, तो इस सबसे ऐसा लगता उनका जो स्वभाव था उस स्वभाव से लगता था कि बिल्कुल उनके स्वभाव के विपरीत है, ऐसा वो कर नहीं सकते थे। तो फिर क्या लगता है आपको, ऐसा कर नहीं सकते तो लगता क्या है? अब ये तो पुलिस छानबीन करेगी, इसमें हम क्या कह सकते हैं, लेकिन उनका जो स्वभाव और उनका जो प्रभाव, उनका जो आभा मंडल था, उसे ऐसा लगता था कि वो ऐसा कदम, ऐसा निंदित कदम कभी नहीं उठाएंगे। अब इसके पीछे अब हम लोग तो शंकाएं ही कर सकते हैं, इसके पीछे हुआ क्या है ये छानबीन का विषय और पुलिस करेगी। संत समाज के मुखिया थे, क्या मांग कर रहा है संत समाज? संत समाज तो यही मांग करेगा कि ये जो दुर्घटना हुई है इसके पीछे कौन हो सकते हैं वह पुलिस के पकड़ में होनी चाहिए, इसके लिए उच्च स्तरीय जाँच हो। मैं महानिर्वाणी अखाड़े का महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद सरस्वती और हमारा देवी संपत मंडल का मैं महामंडलेश्वर हूँ। प्रमुख स्थान हमारा मैनपुरी उत्तर प्रदेश। महाराज श्री का जो आत्मबल था वो इतने बोल्ड थे कि हम लोग ये विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये उन्होंने आत्महत्या की है। ये जो जैसा बता रहे हैं कि वो शव लटका हुआ मिला, फांसी लगी उन्होंने लगा ली, तो इस सबसे ऐसा लगता उनका जो स्वभाव था उस स्वभाव से लगता था कि बिल्कुल उनके स्वभाव के विपरीत है, ऐसा वो कर नहीं सकते थे। तो फिर क्या लगता है आपको, ऐसा कर नहीं सकते तो लगता क्या है? अब ये तो पुलिस छानबीन करेगी, इसमें हम क्या कह सकते हैं, लेकिन उनका जो स्वभाव और उनका जो प्रभाव, उनका जो आभा मंडल था, उसे ऐसा लगता था कि वो ऐसा कदम, ऐसा निंदित कदम कभी नहीं उठाएंगे। अब इसके पीछे अब हम लोग तो शंकाएं ही कर सकते हैं, इसके पीछे हुआ क्या है ये छानबीन का विषय और पुलिस करेगी। संत समाज के मुखिया थे, क्या मांग कर रहा है संत समाज? संत समाज तो यही मांग करेगा कि ये जो दुर्घटना हुई है इसके पीछे कौन हो सकते हैं वह पुलिस के पकड़ में होनी चाहिए, इसके लिए उच्च स्तरीय जाँच हो। मैं महानिर्वाणी अखाड़े का महामंडलेश्वर स्वामी हरिहरानंद सरस्वती और हमारा देवी संपत मंडल का मैं महामंडलेश्वर हूँ। प्रमुख स्थान हमारा मैनपुरी उत्तर प्रदेश।